आज हम कर रहे हैं माया टेक्सचरिंग। अगर आपने कोई मॉडल बनाया है ग्रे कलर में और ग्रे कलर के मॉडल पे आप टेक्सचर डालना चाहते हो तो आपको माया टेक्सचरिंग यूज़ करनी है। कहाँ मिलेगी आपको टेक्सचरिंग? गो टू विंडो, रेंडरिंग एडिटर, हाइपरशीट। हाइपरशीट की शॉर्टकट यहाँ पे भी है, चाहे यहाँ से ओपन करूँ हाइपरशीट। टेक्सचरिंग में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट है मटेरियल, एक एलिमेंट है मैप्स। मैप्स मीन्स छोटे छोटे एलिमेंट्स लाइक कलर्स। मान लो हम किसी पेंटिंग का एग्जांपल लेते हैं और हमें पेंटिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक बड़ा पैलेट उठाऊंगा, उसके अंदर कलर मिक्सिंग करूंगा। तो जो पैलेट है उसे बोलेंगे मटेरियल, जिसके अंदर हम मिक्सिंग कर रहे हैं, और जो मैप्स है वो है कलर। देखो पेंटिंग में दो चीज़ें होती हैं, पैलेट और कलर्स। पैलेट है पेरेंट, जिसके ऊपर हम कलर मिक्सिंग करेंगे, कलर डाल के जिस प्लेट के अंदर। वही यहाँ पे है मटेरियल, एक पैलेट है, उसके अंदर हम मैप्स को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो मटेरियल इज पेरेंट एंड मैप्स इज चाइल्ड। ठीक है, मटेरियल इज पेरेंट एंड मैप्स इज चाइल्ड। अब हम बात करते हैं मैप्स ऑफ मटेरियल्स की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर अवेलेबल इन माया। Types of map and attribute of material. First is diffuse. Diffuse means main color of material. Main color of material is known as diffuse. अगर आप किसी wall पे देख रहे हो cream color है, तो जो cream color है ना वो diffuse हुआ। हर एलिमेंट, हर 3D एलिमेंट तीन चीज़ों से मिलके बना है, मिड टोन जिसे हम डिफ्यूज बोल रहे हैं, शेडो जिसे हम अक्लूजन बोलते हैं, अक्लूजन शेडेड एरिया of diffuse due to absence of lights। जहाँ पे lights नहीं पहुँचती वहाँ पे ना blackness आ जाती है, उसे बोलते हैं diffuse या shadow। shadow के बाद आता है highlight, जैसे हम 3D में बोलते हैं स्पेकुलर। इसे हम एम्बिएंट भी बोल सकते हैं, एम्बिएंट। स्पेकुलर, स्पेकुलर मीन्स हाइलाइटेड एरिया, और ऑयली। अगर आपको कोई एरिया ऑयली दिखाना है तो उससे स्पेकुलर कर दो। ठीक है, तीन चीजें मेन है। सबसे पहली चीज हम कर रहे हैं डिफ्यूज, प्रैक्टिकल करते हैं इसको, पहले नोट कर लो फिर करते हैं हम प्रैक्टिकल। मेन कलर मान लो आपके पास कोई बॉल है ग्रीन कलर की, जो ग्रीन है ना वो मिट्टोन है, और
आपके हाथ पे रखी हुई है, नीचे कॉर्नर पे ना शेडो आ रही होगी, ब्लैकनेस आ रही होगी, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि लाइट ऊपर जा रही है, नीचे से तो आ नहीं रही, तो नीचे का एरिया थोड़ा ब्लैक हो गया होगा, उसे बोलते हैं एम्बियंट बॉल का। और स्पेगुलर मीन्स जहाँ लाइट पड़ रही बॉल के ऊपर, और बॉयल अगर प्लास्टिक की है तो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी, अगर कॉस्को की है तो कम हाईलाइट होगी, तो हाईलाइट को बोलते हैं स्पेकुलर। फोटोशॉप हर सॉफ्टवेयर में होंगे, फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट दोनों में, लाइट रूम, जितने भी फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं सब में होंगे। लिख लिया। अब पहले बात करते हैं हम शेडो और एम्बियंट में क्या फर्क है। शेडो वर्सेस एम्बियंट, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एम्बियंट है ये शेडो है, दोनों पर डिफरेंट है। ये तो शेडो है, और जो नीचे जहाँ पे ये पिलर और ये फ्लोर मिल रहा है वहाँ पे ना एक ब्लैकनेस आ गई है, लाइन आ गई है, अगर वो लाइन हटा दूँ, या यहाँ देखो यहाँ थोड़ी डार्कनेस आ रही है इस एरिया में, धीरे धीरे ऊपर डार्कनेस कम हो रही है, ये डार्कनेस आ रही है यहाँ पे ज़्यादा, तो इसे एम्बियंट बोलते हैं। शेडो हमेशा उससे बोलेंगे जो फ्लोर पर पड़ रही है, किसी और कोई और एलिमेंट की उस लाइट्स को वहाँ जाने से रोक रहा है उसे बोलते हैं शेडो, पर डार्कनेस आ गई है उसको बोलते हैं एम्बियंट। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, कंफ्यूज मत होना। एक एग्जांपल से बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा एम्बियंट ऑक्लूजन। ये जो डार्कनेस है ना, ये डार्कनेस ये एम्बियंट है, और ये जो सोफे के नीचे है ये शेडो है, जिस जितनी भी डार्कनेस आ रही है ना इसमें ये एम्बियंट है, एम्बियंट। पर अगर शेडो आ रही है शार्प वो शेडो है। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं डिफ्यूज, हमारे पास है हाइपर शेड। हम टेक्सचरिंग दो तरह से कर सकते हैं मैक्स में, वन इज नॉड बेस्ड, सेकेंड इज मैनुअली। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे मैनुअली। मैनुअली कैसे करेंगे, आपको एक फ्लोर पे कोई टेक्सचर चढ़ाना है, जितने भी ऑब्जेक्ट लोगे उस पर डिफॉल्ट लैम्बर्ट वन चढ़ा हुआ होता है, लैम्बर्ट वन। अगर आप लैम्बर्ट वन को छेड़ देते हो, कुछ भी कर देते हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए, तो जितने भी नए ऑब्जेक्ट बनेंगे सब उसी के बनेंगे, क्योंकि सारे डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट पे डिफॉल्ट लैम्बर्ट वन चढ़ा होता है। तो आप लैम्बर्ट वन को कभी मत छेड़ना, आप नया लैम्बर्ट लेना या नया प्लेन लेना। कैसे लेना है, राइट क्लिक, असाइन फेवरेट मटेरियल या असाइन न्यू मटेरियल, दोनों में से सेम आएगा जो मर्जी यूज करो, पर ये थोड़ा शॉर्टकट है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, हम डेली अलग अलग मटेरियल को यूज करेंगे। पहले हम यूज कर रहे हैं लैम्बर्ट। लैम्बर्ट एक मैट मटेरियल है जिसमें ना रिफ्लेक्शन मिलेगी ना स्पेकुलर मिलेगा, स्पेकुलर बिल्कुल नहीं मिलेगा लैम्बर्ट में, रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे कपड़ा होता है ना, कपड़ा मैट होता है, हमने जो शर्ट पहन रखी है वो मैट है, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती, मतलब उसमें सामने वाला बंदा नहीं दिखता और ना हाईलाइट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं लैम्बर्ट। ले लिया। लैम्बर्ट टू आ रहा है, आप लैम्बर्ट वन का नाम चेंज नहीं कर सकते, पर लैम्बर्ट टू का अदर मटेरियल का नाम चेंज कर सकते हो, कुछ भी नाम दे दो। फ्लोर
और मटेरियल का नाम भी जरूर चेंज करना, क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सौ सौ मटेरियल आपने ले रखे होंगे, आपके पास मान लो पूरा आर्मी का सीन है, हर सैनिक पे अलग अलग मटेरियल है, आप किस किस का चेक करोगे? तो मटेरियल का नाम देना ज़रूरी है। उसके बाद डिफ्यूज, डिफ्यूज पे यहाँ बोलते हैं कलर, जो मर्जी कलर लो। इन केस आपको कोई कलर नहीं लेना, आपको कोई जेपीजी लेनी है, तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर जेपीजी लूंगा, इसको बोलते हैं मैनुअल मेथड। तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ, इस चेकर पे, यहाँ पे आ रहा है फाइल, फाइल के थ्रू आप जेपीजी ले सकते हो, वीडियो के थ्रू आप कोई भी वीडियो ले सकते हो, वीडियो मतलब फिल्म मूवी, इससे आप कोई भी वीडियो ले सकते हो, फोटोशॉप फॉर्मेट लेना है तो पीएसडी, किसी भी फॉर्मेट की वीडियो, हाँ पीएसडी, और अगर सीक्वेंस लेना है लाइक जेपीजी का सीक्वेंस होता है ना, जेपीजी वन जेपीजी टू, तो वो फाइल के थ्रू ही लोगे। तो फाइल क्लिक किया, अभी देखो ग्रे कलर है, मतलब कोई टेक्सचर नहीं है इस पर, टेक्सचर यहाँ से लेना है आपको सिंपल क्लिक करवा के। व्यूपोर्ट में डिफॉल्ट टेक्सचर नहीं दिखेगा अगर आप सिक्स मोड में नहीं हो, सिक्स फॉर टेक्सचर मोड, सिक्स प्रेस करने पे आएगा टेक्सचर मोड, देन आपके पास टेक्सचर आ गया। अगर वो सीक्वेंस है, मतलब आपने एनिमेटेड सीक्वेंस लिया हुआ है जेपीजी वन जेपीजी टू, तो आप इसे ऑन कर लेना, अदरवाइज ऑफ ही रहने देना। अभी हमें ऑफ ही रखना है क्योंकि एक ही इमेज है, सीक्वेंस हमने प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट में किया था, प्रीमियर में। बोलते हैं सीक्वेंस, अलग अलग एनिमेशन, एनिमेटेड वीडियो। तो अभी हमारा सीक्वेंस नहीं है, ओनली सिंगल इमेज है, तो इसे ऑफ रखना। अब देख रहे हो आपको टाइलिंग कराने की जरूरत है, मतलब बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, ये जो जेपीजी है बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, मुझे रिपीट करवाना है। फॉर रिपीट आपके पास एक नॉट जुड़ा हुआ आ गया, जिसे हम बोलते हैं प्लेस टू डी टेक्सचर, बहुत इंपॉर्टेंट नोड है ये, ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ आता है। इसमें अलग अलग चीज आ रही है, लाइक ट्रांसलेट फ्रेम, आप अपने जेपीजी को इधर उधर मूव करा सकते हो पर नो नीड, रोटेट फ्रेम, टेक्सचर को रोटेट कराना है नो नीड, मिरर मतलब आपको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेम रखवाना है, रिपीट, रिपीट फॉर टाइलिंग, देखो हॉरिजेंटली चार बार रिपीट हो गया, अब आप चाहते हो वर्टिकली भी हो, देखो अब टेक्सचर छोटा हो गया पहले से, पहले का क्या था बहुत ह्यूज लग रहा था, बड़ा लग रहा था, क्या हो रहा है छोटा लग रहा है। तो टाइलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रोटेट यहां से भी करा सकते, नॉइस अगर आपको नॉइस डालनी है, टेक्सचर में नॉइस आ गया, नया टेक्सचर बन गया, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर भी बना सकते हैं नॉइस के थ्रू, ठीक है नॉइस। अब हमने क्या किया, ये लैम्बर्ट लिया, लैम्बर्ट के कलर पे हमने इमेज ले ली, अब यही काम हम नॉट बेस्ड करेंगे विद हाइपर शेड। देखो क्या हुआ, वो हाइपर शेड में भी दिख रहा है फ्लोर नाम का मटेरियल, अगर आपको इसकी डिटेलिंग देखनी है तो राइट क्लिक करना, ग्राफ नेटवर्क, देखो ग्राफ बना हुआ आ रहा है, ये ग्राफ नोड है। अब यही काम हम खुद करेंगे, अब हमने क्या किया था, ये तो मैनुअली यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक किया, फाइल के थ्रू आ गया, अब ये काम हम खुद करेंगे, कैसे, इसे डिलीट मार देता हूँ मटेरियल।
देखो आपको राइट क्लिक करके यहाँ से नया मटेरियल ले रहे थे, आप क्या कर सकते हो यहाँ से भी कर सकते हो, क्रिएट में जाओ, यहाँ पे भी मटेरियल आपको मिलेगा लैम्बर्ट। अब क्या हुआ, लैम्बर्ट 3 आ गया। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप इस पर मटेरियल चढ़ा सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। ग्राफ नेटवर्क से इसकी डिटेलिंग आ जाती है, ग्राफ नेटवर्क, क्योंकि इसका ग्राफ बहुत बड़ा आ रहा है, आप इस ग्राफ को छोटा भी कर सकते हो, हमें इसकी नीड नहीं होती। ये जो अलग से आ रहा है ना हमेशा, इसे ऑन कर रखना, इसको नहीं, इसे। और वही चीज़ जो यहाँ पे आ रही है, कलर ट्रांसपेरेंसी एम्बियंट, वो यहाँ पे भी आ रहा है। हमें क्या चाहिए, बिट मैप चाहिए, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने मटेरियल लिया, मटेरियल इस पर ड्रैग किया, आप हमेशा इसे ऑन रखना। आपके पास लैम्बर्ट 4 आ रहा है, लैम्बर्ट 4 का रीनेम आपको वहीं से करना पड़ेगा, यहाँ से भी कर सकते हो। फ्लोर, जो काम आप यहाँ से कर रहे थे ना, आप यहाँ से करेंगे, इस काम को बोलते हैं नॉट बेस्ड। दोनों में से जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है, पर नॉट बेस्ड भी आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर आप VFX करते हो तो न्यूक एक नॉट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, न्यूक। समझ आ रहे हैं? अब ये नोट पे कैसे काम करना है ये मैं समझाता हूं आपको। आपको यहां से लेनी है फाइल, तो फाइल के साथ डिफॉल्ट प्लेस 2D टेक्सचर बना हुआ आ रहा है। इस फाइल के ऊपर आपको लेनी है इमेज, इमेज यहां से लेनी पड़ेगी। और इस फाइल हमने क्या किया था, पहले डिफ्यूज के ऊपर डायरेक्ट क्लिक किया था तो फाइल आई थी। अब क्या किया, मैंने फाइल अलग से ली, इस फाइल को मुझे कलर से जोड़ना है, फाइल को मुझे कलर से जोड़ना है, तो डायरेक्ट यहां क्लिक करके आप इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो ये बन गया नॉट बेस्ड। अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते तो इस पर क्लिक करना और इसके कलर पे क्लिक कर देना, ऐसे भी आप जोड़ सकते हो। फिर बता रहा हूं क्या किया मैंने, मेरे पास है फ्लोर नाम का मटेरियल, मैंने ली फाइल, फाइल के ऊपर लिया टेक्सचर, जो मर्जी टेक्सचर लो, फिर इसके कलर पे आउट कलर के बॉक्स पे क्लिक किया, प्रेस करे रखा और ड्रैग कर दिया कलर पे, और ये मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप से इस पर चढ़ा सकते। समझ आया कौन सा तरीका इजी है, पहले वाला या दूसरे वाला? मैनुअल वाला, पर प्रैक्टिस इसकी भी होनी चाहिए आप, क्योंकि नॉट बेस्ड काम भी आना चाहिए VFX आर्टिस्ट को और 3D आर्टिस्ट को। हाँ, एक तरह से टारगेट वाले कर सकते हो, कि इसका एरो उससे जोड़ना, एरो जोड़ने बस, मॉडलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वर्टेक्स का कोई फर्क, नॉट टू नॉट। जैसे आपने 10th क्लास में किया होगा ना फ्लो बनाना, फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट एक तरह से। देखो ग्रीन डॉट मीन्स मटेरियल से कनेक्ट हो रहा है, और येलो डॉट मीन्स उसके आउटर शेडर से कनेक्ट हो रहा है। आउटर शेडर आगे चल के यूज होगा लाइक डिस्प्लेसमेंट के लिए। समझ आया? तो ये मैंने एक फॉर्मेलिटी से आपको समझाया, नॉट बेस्ड मैनुअल है, वही मैं कह रहा हूँ ना, आगे चल के आएगा रेड डॉट। अब एक एग्जांपल और करते हैं।
अब डिफ्यूज के साथ करते हैं बम्प, BUMP बम्प, इल्यूजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज बम्प। आपने ब्रिक्स का टेक्सचर लिया और वो बिल्कुल फ्लैट लग रहा है, सीमेंट अंदर ब्रिक्स बाहर नहीं आ रहा, तो कोई मजा नहीं आएगा। देखो मैंने एक फ्लोर ली, एक वॉल ली, वॉल के ऊपर मैंने टेक्सचर चढ़ाया लैम्बर्ट, सिंपल एक फाइल ले रहा हूं ब्रिक्स की, एक है ब्रिक्स, एक है ब्रिक्स, एक है उसका अल्फा, ये डिफ्यूज है और ये बम्प है। पहले डिफ्यूज ले रहे हैं, टाइलिंग करा लो, ठीक है। अब देखो कि इसे रेंडर करेंगे तो दोनों में कुछ भी फर्क नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है मैंने एक पोस्टर चिपका दी है प्रिंट करके। जब क्यों होना क्या चाहिए, ब्रिक्स अंदर होनी चाहिए, सीमेंट बाहर होना चाहिए। तो अब क्या करो, जैसे डिफ्यूज था, जैसे डिफ्यूज था, डिफ्यूज के ऊपर हमने फाइल ली, वैसे यहाँ पे बम्प है, अब बम्प के ऊपर भी फाइल ले लो। अब इसका अल्फा लेना, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, फोटोशॉप में डीसेचुरेट करके ब्लैक एंड व्हाइट बनाया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट, देखो पता चल रहा है बम्प आया। तो जैसे उसकी टाइलिंग कराई थी, इसकी भी टाइलिंग होनी जरूरी है। जितनी टाइल्स उसकी डाली थी 3-3, इतनी इसकी भी डालना। देखो व्यू पॉइंट में पता चल रहा है, व्यू पॉइंट में बम्प तब दिखेगा अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो, अगर आपको नहीं देखना व्यू पॉइंट में तो आप ऑफ कर सकते हो। ठीक है, पर बम्प बहुत ज़्यादा आ रहा है तो बम्प की आप वैल्यू घटा भी सकते हो, पर बढ़ा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, तो मैं घटा रहा हूँ। रेंडर करके देखो कैसा आउटपुट आ रहा है, अब देख रहे हो लग रहा है ब्रिक्स बाहर आ रही है, पहले नहीं लग रहा था। तो सर सेम पिक्चर को डीसैचुरेट करा था, सर उसी पिक्चर को डीसैचुरेट करके लगाया, उसी 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 फोटोग्राफ को डीसैचुरेट, किसी में भी समझ आया बम्प। तो आज इतना करो, मटेरियल्स के एट्रीब्यूट्स को समझो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और आगे करते हैं।